हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द लेक्स गुरु। माय नेम इज सिमरन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अनदर सेशन ऑन कोर्ट फीस एक्ट विच इज पार्ट ऑफ अवर छत्तीसगढ़ सिविल जज जुडिशरी एग्जामिनेशन क्रैश कोर्स। तो आइए हम इस सेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट विथ अ सेशन, मेरे पास आपके लिए दो अनाउंसमेंट्स हैं। द फर्स्ट अनाउंसमेंट रिलेट टू छत्तीसगढ़ सिविल जज जुडिशरी एग्जामिनेशन प्री टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज हमारे द्वारा हमारे द लेक्स गुरु ऐप पर लॉन्च करी गई हैं, विच आर ऑफ ओनली 101 रुपीज। और इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलेंगे 25 टेस्ट पेपर्स, जिसमें से 15 आर सब्जेक्टिव टेस्ट पेपर्स एंड 10 आर फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स। तो अगर आप इन टेस्ट सीरीज को परचेस करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक को ज्वाइन करके वहां से परचेस कर सकते हैं। द नेक्स्ट अनाउंसमेंट रिलेट्स टू एमपी एडीपीओ एग्जामिनेशन मॉक इंटरव्यू सेशंस। दीज मॉक इंटरव्यू सेशंस आर कंडक्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ सपना मैम, हु इज ए फॉर्मर सिविल जज। और अगर आप इन इंटरव्यू सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दिए हुए नंबर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आइए अब हमारे सेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे सेशन में हम डील करेंगे सेक्शन 19 ऑफ कोर्ट फीस एक्ट से। सेक्शन 19 ऑफ कोर्ट फीस एक्ट वो सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करता है जिनके ऊपर या जिनके सबमिशन के लिए कोई फीस पे करना ज़रूरी नहीं है। हमने हमारे प्रीवियस सेशंस में देखा था कि द डॉक्यूमेंट्स ईदर दे आर प्रेजेंटेड बिफोर अ पब्लिक ऑफिसर और दे आर प्रेजेंटेड बिफोर अ कोर्ट, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जिन पे कोर्ट फीस पे करना मैंडेटरी होगा, ईदर इट इज़ पेड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट शेड्यूल एड वेलोरम बेसिस पे, या फिर सेकेंड शेड्यूल फिक्स्ड फीस, जहाँ पे दी हुई है कि ये पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फीस पे होगा इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के प्रेजेंटेशन के बिफोर। तो यहाँ पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमने ऑलरेडी हमारे सेक्शंस में देख लिए थे। अब सेक्शन 19 उन डॉक्यूमेंट्स को लिस्ट करता है जहां पर कोर्ट फीस का पेमेंट इज नॉट नेसेसरी। देखिए, सेक्शन 19 डॉक्यूमेंट्स नॉट कंपल्सरली चार्जेबल विथ एनी फीस। तो इस सेक्शन ने क्लियरली एक्सप्रेसली 21 डॉक्यूमेंट्स के अराउंड डिक्लेयर कर दिए हैं कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स के सबमिशन के लिए या प्रेजेंटेशन के लिए, वेदर दे आर प्रेजेंटेड बिफोर अ कोर्ट और ए पब्लिक ऑफिसर, उनमें कोई भी कंपल्सरली चार्जेबल फीस पेमेंट नेसेसरी नहीं है। तो आइए हम देखते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स को। ये सेक्शन आपके एग्जाम के प्रस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे वो आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट उठा के पूछ सकते हैं, वेदर दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इज चार्जेबल विद अ कोर्ट फीस और नॉट। क्या इस डॉक्यूमेंट के प्रेजेंटेशन से पहले, ईदर इट इज प्रेजेंटेड बिफोर अ कोर्ट और बिफोर ए पब्लिक ऑफिसर, क्या उस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन से पहले कोर्ट फीस पेमेंट करना ज़रूरी है इस डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग के नहीं। तो हमें इसलिए सेक्शन 19 के सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से देखना ज़रूरी है। यहाँ मैंने टेबल फॉर्मेट में आपके लिए डॉक्यूमेंट्स मेंशन कर दिए हैं सो दैट दे आर इजी टू रिमेंबर, अच्छे से आप ध्यान से उन्हें पढ़ सकते हैं और याद रख सकते हैं। आप भी अपनी नोटबुक में ऐसा टेबल बना के उन्हें याद रख सकते हैं। नाउ लेट अस बिगिन विद अ सेशन। सेक्शन 19, सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो सेक्शन 19 में मेंशन है वो है पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी वो एक डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को किसी सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग ऑथराइजेशन देता है। जैसे एक्स ने वाई के नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी इशू करी और उसको बोला कि मेरी ये इमूवल प्रॉपर्टी है, इस इमूवल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जितनी भी डीलिंग्स होंगी, वेदर टू लीज आउट दैट प्रॉपर्टी या मॉर्गेज करना या उस प्रॉपर्टी को सेल करना या उस प्रॉपर्टी की टेक केयर करना, वो सारे राइट्स किसको ट्रांसफर कर दिए, वाई को, या असाइन कर दिए वो सारे राइट्स थ्रू अ डॉक्यूमेंट जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा क्लॉज है सेक्शन 19 का वो बताता है, वेयर अ पावर ऑफ अटॉर्नी इज एग्जीक्यूटेड बाय अ मेंबर ऑफ यूनियन आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन है, उनके किसी मेंबर के द्वारा पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट करी जा रही है, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी के एग्जीक्यूशन में उसको मैंडेटरी नहीं है, उसके ऊपर कोई कंपल्सरी नहीं है उस मेंबर के ऊपर कि वो जो फीस रिक्वायर्ड है उस पावर ऑफ अटॉर्नी के एग्जीक्यूशन के लिए वो पे करे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट, रिटर्न स्टेटमेंट्स आफ्टर फर्स्ट हियरिंग। अब जो सेकंड क्लॉज है वो उन रिटर्न स्टेटमेंट्स के बारे में बात करता है जो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स में कोर्ट बुलाता है डिफेंडेंट से। सबसे पहले जहाँ पे एक सूट इंस्टीट्यूट होता है तो एक पार्टी होती है प्लेंटिव, अनदर इज डिफेंडेंट। प्लेंटिव सूट इंस्टीट्यूट करता है बाय सबमिशन ऑफ प्लेंट और
उस प्लेंट का रिप्लाई कौन देता है? डिफेंडेंट, बाय सबमिटिंग अ रिटन स्टेटमेंट। अब जहां पे फर्स्ट हियरिंग पे डिफेंडेंट ने अपनी फर्स्ट हियरिंग पे एक रिटन स्टेटमेंट सबमिट कर दी, उसके बाद कुछ पॉइंट्स अराइज हुए, कुछ पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट अराइज हुए, एंड द कोर्ट आस्क्ड बोथ द पार्टीज टू और द डिफेंडेंट टू सबमिट अ रिटन स्टेटमेंट वन मोर टाइम और टू मेक अ सब्सिक्वेंट सबमिशन ऑफ रिटन स्टेटमेंट। तो वहां पे इस क्लॉज ने बोल दिया कि जितनी भी रिटन स्टेटमेंट्स आफ्टर फर्स्ट हियरिंग सबमिट होंगी उन पे कोर्ट फीस पे करना नेसेसरी नहीं है, दे आर नॉट चार्जेबल विथ एनी कोर्ट फीस। नेक्स्ट, प्लेन्स, वेयर दोज प्लेन्स विच आर मेड बिफोर विलेज मुंसिफ्स। विलेज मुंसिफ्स के सामने जो पहले सूट्स फाइल होते थे इन केस ऑफ प्रेसिडेंसी टाउन्स, वहाँ पे जितने भी प्लेन्स फाइल हो रही हैं उनके सूट्स के रिगार्डिंग, इस क्लॉज ने एग्जेम्प्ट कर दिया है कि उन प्लेन्स पे फीस पे करना इज नॉट नेसेसरी, दे आर नॉट चार्जेबल विथ एनी फीस। नेक्स्ट, फोर्थ, प्लेन्स एंड प्रोसेसेस बिफोर डिस्ट्रिक्ट पंचायत्स। डिस्ट्रिक्ट पंचायत्स उन्हीं प्रेसिडेंसी टाउन्स की डिस्ट्रिक्ट पंचायत्स में जहाँ पे एक पार्टी प्लेंट या फिर और कोई प्रोसेस फाइल करी है जिसमें कोई भी एप्लीकेशन आ सकता है, इधर एप्लीकेशन टू सबमिट अ डॉक्यूमेंट और टू एग्जामिन एनी पर्सन और टू समन एनी पर्सन, उन सारी प्रोसेसेस में यहाँ पर एग्जेम्प्ट कर दिया है कि कोर्ट फीस का पेमेंट इज नॉट नेसेसरी। आई होप आपको ये पूरे फोर क्लॉजेस क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट, फिफ्थ, प्लेन्स बिफोर कलेक्टर मेड अंडर द मद्रास रेगुलेशन ऑफ 1816। अब ये मद्रास रेगुलेशन 1816 के अंदर कलेक्टर के सामने जो भी प्लेन फाइल करी जा रही है, क्लॉज सिक्स ने, क्लॉज फिफ्थ ने एग्जेम्प्ट कर दिया है कि उन प्लेन्स पर कोई भी फीस पे करना इज नॉट कंपल्सरी। नेक्स्ट, प्रोबेट ऑफ विल, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वेयर द अमाउंट और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी नॉट एक्सीड 1000 रुपीज। जो नेक्स्ट क्लॉज है वो विल, प्रोबेट ऑफ विल के बारे में बात करता है या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। जैसे एक पर्सन ने एक विल बनाई, देखिए एक पर्सन है एक्स, इसने एक विल बनाई है एंड इस विल को एग्जीक्यूशन कराने के लिए, इसका प्रोबेट इश्यू कराने के लिए एक्स के लीगल हेयर्स लेके जाते हैं एंड उस विल में जो प्रॉपर्टी कंसिस्ट है या जिस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग वो विल बनी है उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 1000 रुपए से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रही है, तो यहाँ पे ये क्लॉज ने एग्जेम्प्ट कर दिया है कि उस प्रॉपर्टी के केस में एक्स के लीगल हेयर्स को हु आर फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोबेट या फिर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के केस में फीस पे करना कंपल्सरी नहीं है। तो आई होप आपको ये क्लॉज भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, सेवेंथ, एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू। यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर्स के सामने जो भी एप्लीकेशन फाइल करी जा रही है किसी भी पर्सन के द्वारा, फॉर वॉट पर्पज, फॉर सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू के सेटलमेंट के रिगार्डिंग कोई भी एप्लीकेशन फाइल करी जा रही है किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर के सामने, इधर बिफोर अ कलेक्टर और बिफोर ए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या फिर बिफोर एनी अदर रेवेन्यू ऑफिसर, तो इस क्लॉज ने क्या बोला है कि वो सारी एप्लीकेशन दे विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एनी फीस, उनके ऊपर कंपल्सरली पेमेंट इज नॉट नेसेसरी। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फॉर सप्लाई ऑफ इरीगेशन और इरीगेशन वाटर। यहाँ पे सप्लाई ऑफ इरीगेशन वाटर के लिए एप्लीकेशन फाइल कर रहा है एक पर्सन बिफोर द गवर्नमेंट। एक पर्सन है, जैसे मानिए एक पर्सन है ए, ही इज ए फार्मर, अब इसको इरीगेशन वाटर का जरूरी नेसेसिटी है, इसने क्या किया, इरीगेशन वाटर की सप्लाई के लिए गवर्नमेंट के सामने एप्लीकेशन फाइल करी कि मुझे इरिगेशन वाटर सप्लाई किया जाए क्योंकि आई एम अ फार्मर, मेरे खेत में मुझे पानी की इरिगेशन वाटर के लिए नेसेसिटी है। तो यहाँ पे इस सप्लाई के लिए जो वो गवर्नमेंट के सामने एप्लीकेशन फाइल करेगा, इस क्लॉज ने बोल दिया है कि उस एप्लीकेशन पर दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी कोर्ट फीस या फिर उसके ऊपर कोई कंपलसरी नहीं है कि वो फीस पे करे उस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फॉर लीव टू एक्सटेंड कल्टीवेशन। जहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर पर्सन फाइल कर रहा है एन एप्लीकेशन आस्किंग फॉर द परमिशन टू एक्सटेंड कल्टीवेशन, लीव को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, द परमिशन, वो परमिशन ले रहा है कि वो कल्टीवेशन अपने लैंड में एक्सटेंड कर सके, ज़्यादा टाइम के लिए उसे बढ़ा सके, उसका कल्टीवेशन कंटिन्यू रख सके, उसके लिए द पर्सन इज फाइलिंग एन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे इस क्लॉज ने बोल दिया है कि उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे भी उस पर्सन को कोई फीस पे करना कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फॉर रिलिंक्विशमेंट ऑफ एनी लैंड। किसी लैंड के रिलिंक्विशमेंट के लिए
जैसे अगर हम प्रोविजंस ऑफ एलआरसी देखें, छत्तीसगढ़ एलआरसी के प्रोविजंस अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे, या फिर एमपी एलआरसी के भी प्रोविजंस आप देखेंगे तो वहाँ पे प्रोविजंस बनाए गए हैं रिगार्डिंग रिलिंक्विशमेंट ऑफ लैंड। कोई भी एक भूमि स्वामी है और वो अपने लैंड को रिलिंक्विश करना चाह रहा है, छोड़ना चाह रहा है, उसे गिव अप करना चाह रहा है, तो उस पर्टिकुलर रिलिंक्विशमेंट के लिए वो कहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करेगा, इसके प्रोविजंस हमें एलआरसी में दिए हुए हैं। यहाँ पे इस क्लॉज ने क्या बोल दिया कि जो भी एप्लीकेशन फाइल होगी रिगार्डिंग रिलिंक्विशमेंट ऑफ लैंड, वो एप्लीकेशन पर फीस पे करना कंपलसरी नहीं है। इतनी सी बात कर दी है यहाँ पे क्लॉज 10 ने। कोई भी एप्लीकेशन रिगार्डिंग रिलिंक्विशमेंट ऑफ लैंड इज नॉट कंपल्सरली चार्जेबल। नेक्स्ट, रिटर्न अथॉरिटी टू एन एजेंट टू डिस्ट्रेन। रिटर्न अथॉरिटी कोई एक पर्सन है, जैसे देखिए एक पर्सन है ए, इसने अपना एक्स को एजेंट अपॉइंट किया है और यहाँ पे वो एक रिटर्न अथॉरिटी दे रहा है एक्स को टू डिस्ट्रेन। डिस्ट्रेन की रिटर्न अथॉरिटी क्या होती है कि उसको मना करना कि आप ये पर्टिकुलर एक्ट नहीं करोगे, उसको रेस्ट्रिक्ट करना, उसको किसी एक्ट को करने से रोकना, वो होती है डिस्ट्रेन करने की अथॉरिटी। तो यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है जो प्रिंसिपल है वो अपने एजेंट को अथॉरिटी, रिटर्न अथॉरिटी दे रहा है टू डिस्ट्रेन फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट और टू कंटिन्यू टू डू अ पर्टिकुलर एक्ट, उस केस में वो रिटर्न अथॉरिटी इज नॉट कंपल्सरली चार्जेबल। नेक्स्ट, फर्स्ट एप्लीकेशन टू समन। फर्स्ट एप्लीकेशन टू समन, ये क्लॉज किस समन के बारे में बात कर रहा है? ये क्लॉज बोलता है जहाँ पे एक पर्सन ने एप्लीकेशन फाइल करी है टू समन अ पर्टिकुलर पर्सन, ईदर टू एग्जामिन दैट पर्सन इन द कोर्ट, या फिर उस पर्सन से बुलवाया जाए कि आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो। तो यहाँ पे समन्स किसके रिगार्डिंग इश्यू हो रहे हैं? या तो पहले उस पर्सन को समन इश्यू हो रहे हैं, या तो उसके एग्जामिनेशन के लिए, या फिर किसी डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे दो टाइप के समन इशू हो रहे हैं, या तो उसको एग्जामिनेशन कराया जाएगा या उसके डॉक्यूमेंट के लिए, और वो फर्स्ट एप्लीकेशन हो रही है, कोई पार्टी फाइल करा है इन एनी सूट ईदर फॉर एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्सन और फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। तो इस सेक्शन ने, इस पर्टिकुलर क्लॉज ने क्या बोल दिया कि जो फर्स्ट एप्लीकेशन होगी समन की, उस पर कोई भी फीस चार्जेबल नहीं होगी, कोई भी फीस पे करना इज नॉट नेसेसरी। नेक्स्ट आर बेल बॉन्ड्स। बेल बॉन्ड्स और रिकॉग्निजेंस के केसेस जो भी क्रिमिनल कोर्ट में आते हैं, क्रिमिनल कोर्ट में अराइज होती हैं, जहाँ पे ये पर्टिकुलर प्रोसेस इश्यू होती है फॉर बेल बॉन्ड्स या फिर रिकॉग्निजेंस, उसके रिगार्डिंग ये क्लॉज बात करता है। ये क्लॉज बोलता है कि वो सारे केसेस में फीस उन बेल बॉन्ड्स पे या उन रिकॉग्निजेंस पे करना इज नॉट नेसेसरी। ये दीज पर्टिकुलर बेल बॉन्ड्स आर नॉट चार्जेबल विथ एनी फीस। नेक्स्ट, पिटीशन एप्लीकेशन चार्ज इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफेंस। किसी ऑफेंस के रिगार्डिंग, कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ है, उस ऑफेंस के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है, या फिर कोई चार्ज, या फिर पिटीशन या एप्लीकेशन फाइल करी गई है, जैसे चार्ज फ्रेम किया, चार्ज के या फिर इन्फॉर्मेशन आई है उस पर्टिकुलर ऑफेंस के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे जहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन वेदर इट इज़ गिवन ओरली और इन द रिटर्न फॉर्म, उस पे कोई भी फीस पेमेंट नेसेसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। दैट सबमिशन ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन इज नॉट चार्जेबल विथ एनी फीस। नेक्स्ट, पिटीशन बाय प्रिजनर अंडर ड्यूरेस और रेस्ट्रेंट। अब यहाँ पे ये क्लॉज किसके बारे में बात कर रहा है? ये क्लॉज उन केसेस के बारे में बात कर रहा है जहाँ पे कोई एक पिटीशन फाइल करी है किसी प्रिजनर ने। प्रिजनर कौन होता है? हु इज अंडर इम्प्रिजनमेंट। वहाँ पे द प्रिजनर इज फाइलिंग एन एप्लीकेशन एंड वो पर्सन है ईदर अंडर ड्यूरिस या फिर रेस्ट्रेन किसी ऑफिसर के, किसी ऑफिसर के रेस्ट्रेंट में है, किसी ऑफिसर के अथॉरिटी के रेस्ट्रेंट में, या फिर कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही इज अंडर ड्यूरिस और रेस्ट्रेंट और वो कोई पिटीशन फाइल कर रहा है, तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर प्रिजनर की उस पिटीशन पे कोई फीस चार्जेबल नहीं होगी। जैसे इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है एक्स, इसका इसको रेस्ट्रेन करके, इसको डिटेन करके रख लिया गया है एंड वो डिटेंशन अनलॉफुल है। देखिए, अब जहां पे एक्स का डिटेंशन अनलॉफुल है, उसको अंडर ड्यूरिस रखा गया है, किसी पुलिस ऑफिसर ने उसको अनलॉफुली डिटेन करके रखा है
और यहाँ पे ही इज फाइलिंग ए पिटीशन या फिर उसके बिहाफ पे कोई पिटीशन फाइल कर रहा है फॉर हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस की पिटीशन फाइल हो रही है उसके बिहाफ पे। तो इस क्लॉज ने क्या बोल दिया कि जहाँ पे ऐसी पिटीशन फाइल हो रही है एंड द डिटेंशन इज अनलॉफुल या फिर वो अंडर ड्यूरेस या रेस्ट्रेन उस प्रिजनर को रखा गया है, तो उस केस में उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर कोई फीस चार्जेबल नहीं होगी, कोई कंपल्सरली चार्ज पे करना मैंडेटरी नहीं होगा। इसी के बारे में बात करता है ये क्लॉज 15। नाउ द नेक्स्ट क्लॉज, नेक्स्ट क्लॉज बात करता है हमारा कंप्लेंट बाय ए पब्लिक सर्वेंट। अब नेक्स्ट क्लॉज बोलता है कि कोई एक पब्लिक सर्वेंट है और वो कंप्लेंट फाइल कर रहा है, तो उसके जो वो जो पर्टिकुलर कंप्लेंट है उस पर कोई भी फीस चार्जेबल नहीं होगी, कोई कंपल्सरली चार्ज उसको पे करना नेसेसरी नहीं है उस पब्लिक सर्वेंट को व्हेन ही इज फाइलिंग अ कंप्लेंट। नेक्स्ट, एप्लीकेशन टू कट टिम्बर, यहाँ पे गवर्नमेंट फॉरेस्ट में टिम्बर को कट करने के लिए कोई भी पर्सन एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्लॉज में क्या बता दिया गया है कि उस एप्लीकेशन पर उस पर्सन को कोई फीस पे करना मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फॉर पेमेंट, यहाँ एप्लीकेशन फॉर पेमेंट, अब ये कौन सा पेमेंट है, ये क्लॉज किस पेमेंट के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे एक पर्सन फाइल कर रहा है एप्लीकेशन किसके लिए, पेमेंट के लिए, एंड वो पेमेंट किसके द्वारा किया जाना है, वो पेमेंट करना है गवर्नमेंट को, उस एप्लीकेंट को, गवर्नमेंट को। जैसे देखिए एक्स फाइल कर रहा है एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर पेमेंट और उस वो पेमेंट किससे क्लेम कर रहा है, गवर्नमेंट से क्लेम कर रहा है, दैट पर्सन इज क्लेमिंग पेमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, मतलब उस गवर्नमेंट को उस एप्लीकेंट को पेमेंट करना है। तो यहाँ पे इस क्लॉज ने बोल दिया कि ऐसी कोई भी एप्लीकेशन जो पर्सन फाइल करता है फॉर पेमेंट उस पर कोई भी फीस पे करना ज़रूरी नहीं है, इट दैट एप्लीकेशन इज नॉट कंपल्सरली चार्जेबल। नेक्स्ट, पिटीशन ऑफ अपील अगेंस्ट असेसमेंट ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स, नेक्स्ट क्लॉज क्या बोलता है कि जहाँ पे एक पर्सन ने कोई पिटीशन फाइल करी है, अपील फाइल करी है, और अपील किस चीज़ के अगेंस्ट फाइल हुई है, अपील इज फाइल्ड अगेंस्ट एन असेसमेंट ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स के रिगार्डिंग कोई भी असेसमेंट हुआ था एंड उस असेसमेंट से द पर्सन इज एग्रीव्ड जो अपील फाइल कर रहा है, म्यूनिसिपल टैक्स का असेसमेंट हुआ, असेसमेंट से एक पर्सन एग्रीव्ड है, उस ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द असेसमेंट एंड द पर्सन इज फाइलिंग अपील, तो उस केस में यहाँ पे क्या बोल दिया गया है कि उस केस में द पर्सन जो अपील फाइल कर रहा है द एप्लेंट उसको फीस उसकी एप्लीकेशन के ऊपर उसकी अपील के ऊपर फीस पे करना इज नॉट कंपल्सरी, कंपल्सरली चार्जेबल अपील नहीं है वो। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन, अब ये किस कंपनसेशन के बारे में बात करता है ये क्लॉज, ये देखिए, जैसे एक पर्सन है एक्स, इसकी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अब इसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ क्या हुआ है, इसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया है, गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया है फॉर पब्लिक पर्पसेस, ये एक्स की इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 10 लाख रुपीज, इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया है फॉर पब्लिक पर्पसेस, और जब गवर्नमेंट ने एक्वायर किया तो कंपनसेट किया, ऑब्वियसली एक्स को कंपनसेट करा जाएगा क्योंकि एक्स की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया है गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कंपनसेशन में सिर्फ 8 लाख रुपीज़ दे दिए, 8 लाख रुपीज़ दे दिए, प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख रुपीज़ थी, उसको मिले सिर्फ 8 लाख रुपये, तो यहाँ पे द डिफरेंस जिसके रिगार्डिंग एक्स एग्रीव्ड है, एक्स इज एग्रीव्ड कि मुझे कम, मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा थी, मुझे कम पैसे दिए गए गवर्नमेंट के द्वारा, जो कम कंपनसेशन दिया गया है, तो एक्स क्या करेगा, एप्लीकेशन फाइल करेगा इस ऑर्डर ऑफ कंपनसेशन के अकॉर्डिंग, इस ऑर्डर ऑफ कंपनसेशन के अकॉर्डिंग कोर्ट के सामने या जो भी प्रॉपर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसके सामने एप्लीकेशन फाइल करेगा क्योंकि वो एग्रीव्ड है बाय दैट पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ कंपनसेशन, तो उस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे बोल दिया गया है कि जहाँ पे ऐसी कोई भी एप्लीकेशन फाइल हो रही है which relates to an acquisition done for public purposes और compensation order के against वो application file हो रही है, तो वो application के case में that particular application is not compulsorily chargeable with any fees, मतलब उसके ऊपर कोई compulsorily fees का payment necessary नहीं है, इतनी सी बात करता है ये वाला clause। Next, petition before special commissioner under Bengal Act, ये क्लॉज बात करता है बंगाल एक्ट के अंदर जो भी स्पेशल कमिश्नर अपॉइंट किया गया है
उसमें कोई उसके सामने कोई भी पिटीशन फाइल होती है तो इस क्लॉज ने एग्जेम्प्ट कर दिया उस पिटीशन को फ्रॉम पेमेंट ऑफ एनी फीस. नेक्स्ट, पिटीशन अंडर इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट. इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के अंदर कोई भी पिटीशन फाइल हो रही है तो द लास्ट क्लॉज एग्जेम्प्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर पिटीशन को फ्रॉम पेमेंट ऑफ एनी फीस. तो हमने यहाँ पर 22 क्लॉजेस में इतने सारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए हैं जहाँ जिन डॉक्यूमेंट्स पे फीस का पेमेंट इज नॉट नेसेसरी, दोज डॉक्यूमेंट्स आर नॉट कंपल्सरीली चार्जेबल विथ एनी फीस. आई होप आपको ये सारे क्लॉजेस क्लियर हुए होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट है सेक्शन 19 के प्रोविजन्स में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स. प्लीज़ इन डॉक्यूमेंट्स को बार बार रिवाइज करके याद कर लीजिएगा. बहुत क्वेश्चंस, बहुत चांसेस होते हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स से पूछ लिया जाए. आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं विच आर नॉट चार्जेबल, कंपल्सरली चार्जेबल विद द पेमेंट ऑफ एनी फीस. अगेन, कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू.